गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 25th of September और ना आज कल राहुल का बर्थडे था, लेकिन कल इतनी बारिश हो रही थी दिल्ली में कि हम कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए। बहुत ज़्यादा रुक ही नहीं रही थी बारिश, ऐसा रहा था मानसून जा नहीं रहा, मानसून आ ही रहा है। तो हम घर पे ही थे तो ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, केक वेक कट करा बस घर पे ही। तो आज हमने सोचा कहीं बाहर जाते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे वो तो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। और बाबू सो रहा है मेरी गोदी में बड़े आराम से, बच्चों को सबको हाय करना ज़रूरी होता है वरना फिर वीडियो पूरी नहीं होती। तो अभी मोना वगैरह आ रहे हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी मोना की भी है, राहुल की भी, दोनों की मर्ज है। मोना के बर्थडे में हमने घर पे तो पार्टी कर ली थी पर मोना से पार्टी नहीं ली थी, तो अब हम सोच रहे हैं राहुल मोना की पार्टी एक साथ कर लेते हैं। तो बस वो लोग भी आने वाले हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। कल बारिश हुई थी ना तो आज मौसम बहुत सुहाना था, ठंड बिल्कुल नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था। वरना बाबू को बाहर लाने में मेरे को सोचना पड़ रहा था कि बाहर लेकर कैसे, और से जुकाम भी है। पर आज मौसम अच्छा था, मैं इसको बिल्कुल फुल पहना रखा है ताकि इसको ठंड ना लगे। तो दो गाड़ी आने वाली थी, एक अमित लेकर आया था एक राहुल के साथ ही। तो अमित ने अभी ड्राइविंग नहीं सीखी है, नहीं क्या बैंगलोर में ड्राइविंग करता है, लेकिन हमारे साथ उसने ज़्यादा नहीं करी, ज़्यादा टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाता। तो सुमित का कहना था कि भाई जिसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है वो अमित भैया के साथ बैठेगा, वो डर के मारे उसके साथ बैठा ही नहीं, वो आकर हम लोगों के साथ बैठा। एक लंबा वाला गाना सुना तुमने? एक लंबा देख इधर देख, पापा बोल रहे हैं कि कौन सा है। एक हाथ ही गियर में रहता है, एक हाथ से देख। हम यारों बिगड़े हैं, अपना है शरीफ बड़ा। तो हम आए थे NSP जहाँ पे हम लास्ट टाइम मैगडे में आए थे वहीं पे, और इस बार थैंक गॉड हमें पार्किंग जल्दी मिल गई थी, जबकि हम संडे को आए थे पर हम आफ्टरनून में आए थे तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो पार्किंग हमें ना फर्स्ट फ्लोर पे ही मिल गई थी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मॉल में और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे और भीड़ भी बहुत कम है। लास्ट टाइम रात को आए थे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, दिस टाइम भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है मॉल में। राहुल को पता होता है कि मैं कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ और मैं वो देखती हुई चलती हूँ, क्योंकि आदत है कि वो चीज़ें दिखी जाती है अपने आप ना अट्रैक्ट कर लेती है, नेल पेंट लिपस्टिक या कुछ ड्रेसेस दिख जाती हैं तो खुद ही अट्रैक्ट करती है। पर राहुल इतनी आगे आगे फास्ट भागते हैं ना कि मैं पीछे रुक ना जाऊँ, रुक कर शॉपिंग ना करने लग जाऊँ। कैसल बारबेक्यू 3rd floor पे है तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, और वहाँ जाके मैं आप लोगों को वहाँ का एम्बियंस दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। फिलहाल हम वहाँ के निकल चुके हैं। अब 3rd floor पर जाते जाते बहुत सारे आउटलेट्स दिखे जहाँ पे शॉपिंग की जा सकती है। इतनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ दिख रही थी मुझे, मतलब अभी शादी, घर में शादी होने वाली है 1 महीने बाद 1-2 महीने बाद, दिसंबर में ही शादी है तो आप लगा लीजिए दिसंबर शुरू में, तो नवंबर का टाइम है, बस अक्टूबर नवंबर का, उसके बाद तो टाइम भी नहीं है। तो ना देख रही थी मैं चीज़ें कि क्या चीज़ें खरीद सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और मेरा बहुत मन कर रहा था जाकर के पूछूँ रेट वगैरह पता करूँ या कुछ चीज़ें देखूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं देख पाई क्योंकि राहुल का ये होता है कि जो चीज़ करने हैं हम वही करने जाएंगे, पहले हम खाने आए तो सीधा ऊपर जाएंगे खाना खाएंगे, बीच में रुक के शॉपिंग नहीं करेंगे। और बाबू को इतना एंजॉय कर रहा था, बस इधर उधर देखने में लगा हुआ था। बच्चे ना इस टाइम बहुत एक्सप्लोर करते हैं, जब बच्चों की एज है वो अलग तरीके से करेगी, ये अलग तरीके से करेगा, तो बच्चों को बाहर निकालना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बच्चों को बाहर थोड़ा बहुत घुमाना चाहिए। वो जो बाहर देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फूड आउटलेट्स हैं, फूड कॉर्नर्स हैं, कितनी अच्छी तरह से सजे हुए हैं और बहुत प्यारा लग रहा था दिखने में, मतलब ये खुद से अट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ का जो एम्बियंस वगैरह होता है। मैं तो खैर बहुत खुश हूँ कि घर के थोड़े पास में कोई मॉल खुल गया, अदरवाइज़ रोहिणी वगैरह जाना पड़ता था, जाने में इतना टाइम लग जाता था। पहले तो हम सोचे थे हम रजौरी जाएंगे बारबेक्यू नेशन, लेकिन ना फिर वहाँ जाने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर वहाँ से आना तो हम इतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे, इतना ट्रैवल ही करना पड़ जाएगा। तो घर के जो पास है हमें वहाँ पर ऑप्शन मिल गया तो हम वहाँ क्यों ना जाएँ, तो इसलिए हमने इस NSP के मॉल को चुना। ये है कैसल बारबेक्यू, और काफ़ी मतलब सोच विचार करके हमने सोचा हम इस वाले बारबेक्यू में जाएंगे। इसमें राहुल पहले भी जा चुके हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो इसका एंट्रेंस देखिए, कैसल लिखा मतलब एक क्या किला बोलते हैं ना, तो उस टाइप से ही बनाया हुआ वैसे गेट, और ये गेट इतना भारी था मैं एक हाथ से खोल ली थी, खुल ही नहीं रहा था मुझसे, लोहे का गेट है प्रॉपर, ये मतलब दिखने में ना तो ऐसा लग रहा है तो भारी सा गेट है जो मुझसे खुल नहीं रहा था, फिर उसको ज़ोरदार धक्का दिया मैंने तब जाके खुला।
तो अभी पहले हम लोग पहुँच गए थे और अमित जो है दूसरी कार में मोना, अमित, चनमोर और मोनू आ रहे थे और उन लोगों को टाइम लगाने में, क्योंकि सबको बोला हुआ था मैंने कि 12 बजे हम निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लेट किया। तो हमने सोचा हम पहले आ जाते हैं, पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले आओ पहले खाओ। तो हम पहले आए और हम खाने के लिए बैठ गए। यहाँ का एम्बियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत लाइट म्यूज़िक और लाइट जो है वो बिल्कुल डिम लाइट थी, बहुत ज़्यादा नहीं कि आंखों पे चुभे, और म्यूज़िक बहुत लाइट था, ऐसा कोई लाउड नहीं था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में भी ना, मतलब एक होता रिलैक्स सा फील करवाने वाला वो था। उसके बाद हमारे बैठते ही वो आए और हमसे पूछने लग गए कि भाई स्टार्टर वगैरह क्या लें, वेज है नॉन वेज है क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने लग गए। और ऊपर देखिए किस तरह से ना ऐसे लैम्प सा लटका रखा है, आर्टिफिशियल ही है ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यार लग रहा था तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि संडे है और भीड़ इतनी ज़्यादा कम संडे के दिन, लेकिन दोपहर के टाइम भीड़ अक्सर कम होती है। और हमने लंच पे ही आए थे, डिनर पे तो खैर आ नहीं सकते थे क्योंकि रात हो जाती है और बेबी को रात में लेकर आना फिर उसके बाद बहुत हैक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो हम लंच पे ही आए थे और डेजर्ट वगैरह में सब देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, अनलिमिटेड खाना, हम सोचते ना अनलिमिटेड है खूब सारा खाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंटर करने के बाद, बैठने के बाद पहले टेबल पे ना पहले से तीन तीन चटनियाँ लगा के रखी हुई थी उन्होंने और टेबल कुछ इस तरह से लगाया हुआ था। और उसके बाद वो तुरंत आ गए थे, वैसे भीड़ भी कम थी तो शायद इसलिए भी आ गए थे, या भीड़ रहती है तब भी जल्दी आते हैं तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन भीड़ बहुत कम थी तो वो तुरंत टेबल के पास आ गए थे। तुरंत सर्विंग चालू कर दी थी, प्लेट्स रखना चालू कर दिया था और इसके तुरंत ही बाद वो सब क्रिस्पी कॉर्न लेकर आ गए थे, जो कि बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। क्रिस्पी कॉर्न मतलब फेवरेट है ये तो मेरा, और वैसे बहुत पसंद आता है। शुरुआत इन्होंने यहीं से करी थी, कॉर्न लेकर आए थे, फिर इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें लेकर आ रहे थे ना कि एक ख़त्म नहीं हो रहा था कि दूसरी चीज़ आ जा रही थी। और अभी हमारे सारे लोग भी नहीं आए थे, हम उनका ही वेट कर रहे थे। पर जो भूख लगी थी ना ज़ोरदार लगी थी, सुबह नाश्ता भी नहीं करके आई थी मैं, अब इतना खाना था उस पेट में जगह भी तो चाहिए, वैसे ही खाना हमारा इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद एक गोलगप्पे लेके आए और एक गोलगप्पे ना ऐसा रहता मीठा बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है मुँह में, इसमें हरी चटनी थी, मीठी चटनी थी और दही था। और इसका पहला बाइट लेते ही मतलब जो एक बार पूरा मुँह में डाला हमने, इतना अच्छा लगा ना कि इसको हमने गोलगप्पे तो तुरंत ऑर्डर कर दिए दोबारा कि भैया गोलगप्पे और लेकर आ जाओ। और गोलगप्पे में बहुत बार खाया, फिर ये थे चिली पटेटो, हनी चिली पटेटो थे शायद, ये भी अच्छा था, क्रिस्पी था, ये भी दो चार ही खाए, बाकी चीज़ें फिर तुरंत आने लगी, मतलब बहुत जल्दी सर्व कर रहे थे। उसके बाद और हमें ये सर्व कर ही रहे थे इतने में बारबेक्यू का सेटअप लगाना चालू कर दिया इन लोगों ने, और उसके बाद ग्रिल करने के लिए तंदूरी मोमोज, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी यार, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का, चाप। पर अभी उन सब के आने में जितना टाइम था उतने में हम गोलगप्पे खाए जा रहे थे, राहुल भी, मैं भी, चांदी भी, अभी बाकी लोग भी नहीं आए थे, वो सब लेट लतीफ़ हैं, तब तक हम खाने पीने में लगे थे। देखिए अब इन लोग अपना सेटअप लगाना चालू कर दिया है, ये सारे जितने भी तंदूरी चीज़ें हैं लाला के रख रहे थे। और यहाँ पे लगाने के बाद ये भी होता है आपके पास एक टास्क है कि इसको आपको घुमाते रहना है, अगर आप छोड़ दोगे, हमने कितनी बार ना ऐसे छोड़ दिया नीचे से वो जल चुका था, तो इसको घुमाते रहना है। लोग खाने में इतने बिजी हो गए ना कि ये टास्क तो भूल ही गए कि इसको हमें घुमाते भी रहना है। वो बेचारे जब देखने आ रहे तो एक नीचे से कोई जल जा रहा, फिर वो खुद ही उसको मतलब ट्विस्ट करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद ये ना वेज कबाब दिया था इन्होंने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अजीब सा लस्सा लस्सा सा था। फिर उसके मंचूरियन दिया था उन्होंने, वो अच्छा लगा था, ड्राई मंचूरियन। और ये पापड़ी चाट तो वाह यार बहुत ही टेस्टी था। और ये था आलू जिसमें क्रीम और बहुत सारे फ्लेवर का ब्लास्ट था, इसको उन्होंने कुछ बोला था और इसका नाम इन्होंने रखा था सालसा पोटैटो। और इसमें कुछ फ्लेवर ऐसा था कि जैसे क्रीमी क्रीमी सा, और वाइट सॉस पास्ता का फ्लेवर नहीं होता, कुछ उस टाइप का फ्लेवर आ रहा था, बहुत क्रीम यूज़ किया हुआ था इसके अंदर। उसके बाद देखिए हमारे लेट लतीफ़ लोग आ रहे हैं, उधर से दूर से आते हुए दिख रहे होंगे। फिर वो लोग आए और उन लोग, मोना ने कहा तुमने हमारे बिना ही खाना शुरू कर दिया, हाउ मीन, मतलब वो अगर आधे घंटे लेट आए तो हम यहाँ पे बैठ करके सिर्फ देखे लोगों को खाते हुए, हम खाना ही ना खाएं, ऐसा हो सकता है क्या कभी, हमने तो खाना शुरू कर दिया, चाहे वो मीन कहे चाहे कुछ भी कहे। तो उसके बाद वो लोग बैठे, तब हमने कहा भैया इन लोगों को जल्दी सर्व करो, सारे भूखे ही आए होंगे, क्योंकि हमने कह दिया था भाई खाना पैसा वसूलना है, खाना पूरा खाना है, भूखे पेट ही आना, क्योंकि इतना खाया नहीं जाता, फिर भी ज़्यादा खाया ही नहीं गया। मेन कोर्स तक तो कोई पहुँच ही नहीं पाया, मोना ने मेन कोर्स नहीं खाया, चांदी ने मेन कोर्स नहीं खाया। और ये बेबी को ना मैं सूथर बहुत कम देती हूँ, कभी कभी बाहर आया तभी देती हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी घर में इसको सूथर नहीं देती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसको, लेकिन बाहर मैं लेकर आती हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ जाए, जैसे अभी ज़रूरत पड़ गई थी। और देखिए गोलगप्पे फिर से आए और फिर से सब गोलगप्पे पे टूट पड़े। अगर आप कभी कैसल बारबेक्यू जाओ या आई डोंट नो बाकी बारबेक्यू में भी ऐसा ही मिलता है नहीं, लेकिन इसमें ना गोलगप्पे अल्टीमेट थे यार, मुझे बहुत पसंद आया। फिर ये मोमोज आए, मोमोज भी बहुत टेस्टी थे और अनलिमिटेड मोमोज थे, लेकिन हम खा नहीं पाए। और ये ना कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ एक एक ड्रिंक थी, तो हमने मोहितो मंगवाया, किसी ने कोक मंगवाया, कुछ ने स्प्राइट मंगवाया, लेकिन ड्रिंक भी अनलिमिटेड होनी चाहिए थी, मेरा मन कर रहा था और ज़्यादा पीऊँ, पर उसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ एक एक ड्रिंक था। उसके बाद डेजर्ट हमने सामने दिख रहे थे तो हम खाने लगे, डेजर्ट खाने के बाद ना ऐसा लगा था हम फुल हो गए। तो उसके बाद डेजर्ट वेजर्ट इतना टेस्टी था, उसमें नारियल के लड्डू मुझे बहुत अच्छे लगे, सब कुछ ही टेस्ट किया मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा टेस्ट करने में, थोड़ा थोड़ा खाया लेकिन सब कुछ खाया। हाँ मेन कोर्स में सब कुछ टेस्ट नहीं कर पाई, और बाबू सो रहा था, वो किसी और की गोद में जा ही नहीं रहा था,
किसी और की गोद में दे रही थी तो उठ के बैठ जाता था। मोना चानी मस्त लगे थे अपना खाना पीना खाने में। मैं बाबू को भी सुला रही थी, वो सो ही रहा था, और खाने पीने को तो मैंने फुल इन्जॉय किया। और उसके बाद मोमोज़ फिर से हमने ऑर्डर किए, मोमोज़ बहुत ही सही लग रहे थे। तो मैंने मोना को कहा कुछ देर तू बाबू को ले, तब मैं वीडियो शीडियो बनाऊँ, वरना मैं तो बच्चा लेके बैठी रहूँगी तो वीडियो फिर बनाएगा ही नहीं मेरे लिए कोई। अगर मैं किसी और को भी देती हूँ तो वो इतने अच्छे से नहीं बनाते वीडियो कि अपना काम अपने खुद ही अच्छा कर सकता है बंदा। तो इसके बाद मैं उठ गई और अब मैं कैप्चर कर रही हूँ डेजर्ट। सबसे पहले तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई किया था, इसमें सब कुछ ही ठीक ठाक था, कस्टर्ड भी ओके था, इवन तरबूज वगैरह भी खा लिया था मैंने। लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट लगा था नारियल के लड्डू, जो कि शायद मैं 4-5 खा ली होंगी आराम से। केक पेस्ट्री तो ऐसे ना खा लो तो उसकी वजह से लगता है पेट भारी भारी सा हो गया, फिर कुछ खाया नहीं जाता। और ये था शाही टुकड़ा, वो भी ठीक ठाक ही था, लेकिन बाकी चीज़ें ओके ओके थी, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। या फिर हो सकता है किसी को अच्छा लगे, मुझे नहीं लग रहा था मेरे टेस्ट बर्ड्स को। और यहाँ पे मोमोज़ बन रहे हैं, ये लाइव कॉर्नर, ये आप यहाँ पे आके मोमोज़ ले सकते हो, गोलगप्पे खा सकते हो। यहाँ पे अब खाना है, इसमें शायद बिरयानी है, हैदराबादी चिकन बिरयानी और चिकन चिली, ये फिश चिली, उसके साथ फ्राइड राइस है। उसके बाद ये था बटर चिकन, और उसके साथ मटन रोगन जोश, ये था ये। उसे सलाद था, फिश सलाद, चिकन सलाद, और पता नहीं कौन कौन से सलाद थे, मतलब नॉनवेज सलाद भी थे, वेज पास्ता सलाद जो होता है वो सब भी था, बिरयानी भी था। उसके बाद ये डेजर्ट में था यहाँ पे गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा, वो भी बहुत अच्छा था, वो मैंने टेस्ट किया था। और चाउमीन और मंचूरियन, चाउमीन ठीक ठाक थे, थोड़े फ्लैट से थे, इतने ज़्यादा खास नहीं थे। मंचूरियन भी ठीक ठाक ही था। और ये दाल मखनी और मिक्स वेज था, आई थिंक ये या चाप था, नहीं मिक्स वेज था। उसके बाद यहाँ पे पनीर की कोई सब्ज़ी थी, ये भी मिक्स ही लग रही थी मुझे, और दाल था। और या ये था चाप की सब्ज़ी और कढ़ी और बिरयानी एंड नॉर्मल राइस, ये हमारे मेन कोर्स में होता है। तो ये तो हमने इतना खाया ही नहीं था मेन कोर्स। फिर मैं गई पहले आइसक्रीम खाने के लिए, तो मैं ना लाइव आइसक्रीम बनवाने वाली थी, पर उन्हें पहले से मतलब कर लिया था ये सारा काम। तो जब मैं गई तो उसके बाद एक जो पहले से मेरे से पहले थी वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रही थी, तो उनको इन्हें स्ट्रॉबेरी बना करके दी। 2-4 फ्लेवर्स थे इनके पास, कोई बहुत सारे तो नहीं दिख रहे थे मुझे, 5 ही दिख रहे थे। उसके बाद मैंने पूछा और कौन कौन से फ्लेवर है, तो इन्हें बटर स्कॉच बताया, स्ट्रॉबेरी बताया, तो मैंने और पान का बताया। तो मैंने कहा यार पान फ्लेवर लेती हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है पान फ्लेवर, पता नहीं क्यों। तो इन्होंने ना मेरे लिए पान वाली आइसक्रीम बनाई, पर इसमें पान का कोई बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आया मुझे, और ना बहुत ही मीठी आइसक्रीम थी, मतलब कि ये था कि आपका मुंह बांध सा देगी, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा आपसे। बहुत ही मीठा मीठा सा फ्लेवर आया था, चॉकलेट भी था इनके पास, तो काफ़ी मीठा मीठा सा फ्लेवर आया था। पर मैंने एक ही आइसक्रीम खाई, पुच्चू को तो मैंने खाने नहीं दी क्योंकि उससे जुकाम था, मैंने भी खा लिया चुप छुपा के। मैं राहुल के पास लेकर आई कि भैया आप खाओगे, लेकिन किसी ने नहीं खाया, मैंने खाई आइसक्रीम। अब सब मेन कोर्स खा रहे थे, सबकी अपनी प्लेट में कुछ जिसका जो बनाया वो सब ले लेके खा रहे थे। मेन कोर्स भी अच्छा था, ठीक था, लेकिन ऑल ओवर मैं यही कहूँगी कि इतना खाया नहीं जाता। उसके बाद बर्थडे था राहुल और मोना का, तो हम उसके लिए गए थे, तो केक पे नाम लिखवाना था, तो जीजा साली लिखवा दिया हमने, और अब इन दोनों का बर्थडे मैं यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसको काटना के लिए हटना। वैसे बहुत सारे लोग जो है ना बाबिक्यू में जाकर के बोल देते हैं हमारा बर्थडे, और पीछे सब गाना वाना बजा करके तालियां बजाने लग जाए, थोड़ा सा स्पेशल फील हो जाता है लोगों को, तो वो होता है। पर इनका तो सच में बर्थडे था। और कुछ तो नाराज़ हो गई थी, भाई कैंडल कैसे मोना ने बुझा दिया। उसके बाद दोबारा से कैंडल जलाई गई और फिर बुझाई गई, तो बर्थडे भी इनका सेलिब्रेट हो गया, खाना पीना भी हमारा हो गया। वैसे हमें टाइम था 1 बजे से 5 बजे तक का, और इसके चार्जेस थे 1100 पर पर्सन टैक्सेस मिला करके, और पुच्चू का चार्ज उन्होंने 500 लिया था। तो कुछ इस तरह से चार्जेस हैं इसके बाबिक्यू के, कैसल बाबिक्यू के। तो खा पी के हम 3 बजे निकल गए, 3 बजे से ज़्यादा कौन रुके यार, 5 बजे तक इतना फुल हो गई थी मैं, ऐसा लग रहा था कि सब बाहर ना निकल जाए गाड़ी में बैठ के। और ये पता नहीं कौन से कार्टून है जो सुमित और मोनू इतने गौर से देख रहे थे, इसके बारे में क्या क्या बातें किए जा रहे थे, बस मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम बाहर जाने लग गए थे। मोना को ना मैं सोची थी बर्थडे गिफ्ट दिला दूँ, ग्लासेस दिला दूँ या कुछ दिला दूँ, उसे लेना था। वो टाइटन में गई भी पर कुछ पसंद नहीं आया उसे, क्योंकि उसके चेहरे के अकॉर्डिंग जो मतलब सूट करे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था हमें, तो फिर हमने नहीं लिया। शायद उसका ड्यू रह गया, गिफ्ट उसको बाद में मिलेगा, पता नहीं कब लेगी वो, मुझे अभी तक देना है। और ये जो उल्टा अम्ब्रेला लगा कर ऊपर रखते हैं ना, मुझे बहुत ही प्यार लगता है दिखने में, मतलब बहुत ही अच्छा लुक देता है वो। पुच्चू को गाड़ी चलानी थी, गाड़ी वाला था ही नहीं, वो इसके
जो साइज़ की गाड़ी थी वो गाड़ी गई हुई थी, कोई और चला रहा था, बहुत टाइम लग रहा था और हमें ना बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा ओवर हो गए थे ना हम कि सबको नींद आने लग गई थी। मतलब एक से तीन आप भर भर के खाओ बैठ करके तो ऑफ कोर्स आपको नींद आने लगेगी, उस पर इतना मीठा इतना डेजर्ट, उसके बाद तो और ज़्यादा नींद आ सकता, नशे में चले गए हम, सबको ही सोना था, मतलब सबकी ऐसी हालत हो रही थी कि बस सोना है, क्योंकि दोपहर के टाइम वैसे भी नींद आने लग जाती है और खा पी कर तो और आलसी हो जाते हैं हम। और बाबू फुल मज़े से गोदी में अपने जा रहा था। तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे।